वेलकम टू इनादर वीडियो। और ये वीडियो जो है ये है जी स्टेप ऐप में कैसे आपने एवालांस वॉलेट एड्रेस ऐड करना है, क्योंकि स्टेप ऐप का जो टोकन है और उसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो एवालांस पे बना हुआ है। सही है, तो पहले मैंने एक इनका डिजिटल वॉलेट एवेक्स वॉलेट के बारे में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर उनकी एक अनाउंसमेंट आई थी कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट या मेटा मास्क का एवलॉन्स सी चेन का जो वॉलेट एड्रेस है वो देना है। सही है, अब मसला ये था कि मोबाइल से जो है ना, मैं जब वीडियो बना रहा था तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैप्चर होती है ट्रस्ट वॉलेट, वो मोबाइल से उसको अलाउ नहीं करता। इसलिए मैंने स्पेशली इसके लिए एक ऐप डाउनलोड की है और उसके ज़रिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब आपको क्लियरली, ताकि समझ आए, इसलिए थोड़ी सी वीडियो में ताखीर होगी। सही है, तो आपने ट्रस्ट वॉलेट जो है वो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वॉलेट क्रिएट करना है, फ्रेज वगैरह सेव करनी है, उसके बाद ये आपके पास पूरा सिनेरियो आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पे आपको मैं एक एक पॉइंट क्लिक करके बताऊँगा क्या करना है। सही है, आपने अपने मोबाइल से ये आप देखते हैं जो जैसे ही आप खोलेंगे ट्रस्ट वॉलेट, तो ये कोने में ना दो निशान बने होंगे। सही है, ऊपर टॉप पे, सही है, टॉप पे राइट साइड पे ट्रस्ट वॉलेट के ये निशान बने होंगे। सही है, अब इस पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टोकन्स नज़र आएंगे, BNB, BTC वगैरह। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली लिखना है AVAX। आप जैसे ही AVAX लिखेंगे तो आपके पास ये एवालांस चेन का एड्रेस आ जाएगा। सही है, एवालांस सी चेन आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पे आपने ऐसे इसको क्लिक कर देना है इस पर आगे। सही है, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एवालांस का वॉलेट जो है ना आपके पास क्रिएट हो चुका है, आप वापस आके देखें। सही है, अब ये जो एड्रेस है आप इसने इसको कॉपी करना है। सही है, ये अब आगे आप देख सकते हैं एवालांस सी चेन जो है ना वो ऐड हो चुका है। अब इस पर आपने क्लिक करना है। सही है, अपने मोबाइल से आपने टच करना है जो भी है। मैं अभी इसलिए स्पेशली क्योंकि मोबाइल से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता ट्रस्ट वॉलेट, इसके लिए स्पेशल एक सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया ताकि मैं आपको सही तरह समझा सकूँ। सही है, अब यहाँ पे जो रिसीव का एड्रेस है ना एवालांस सी चेन का, अब आपने सी चेन याद रखना है, एवालांस सी चेन वाला एड्रेस देना है, कोई और एड्रेस देंगे तो मसला हो जाएगा। अब इस एड्रेस को आपने करना है जी कॉपी। सही है, इस एड्रेस को कॉपी करके आपने स्टेप ऐप में आना है और वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है जो मैंने आपको बताया था कैसे। सही है, अब इसके अलावा दूसरा एक तरीका है, वो क्या है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। सही है, अच्छा जी, अब दूसरा तरीका है वो है जी मेटा मास्क यूज़र्स के लिए या डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए। सही है, पहले मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट वॉलेट से कैसे एवालांस सी चेन ऐड करते हैं इसमें। सही है, अब हम करने जा रहे हैं मेटा मास्क में। अब मेटा मास्क को आप मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, अब मेटा मास्क कैसे क्रिएट करते हैं इसके आप ट्यूटोरियल देख लें, मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ। सही है, यहाँ पे कैसे हम लोग मेटा मास्क में एवालांस सी चेन का ऐड करते हैं एड्रेस। तो सबसे पहली चीज़ हमने मेटा मास्क ओपन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर में आ रहा होगा इथेरियम मेन नेट। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें सबसे नीचे आ रहा है ऐड नेटवर्क। सही है, सबसे नीचे आएगा ऐड नेटवर्क। अब मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क ऐड है तो मैं यहाँ पर ऐड नेटवर्क पर क्लिक करूँगा। अब सबसे पहले नेटवर्क नेम में क्या डालेंगे हम, ये मैं आपको पूरा URL दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरे इसके ना एड्रेसेस दे दूंगा, आप कॉपी करके मेटा मास्क में डाल सकते हैं। सही है, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगा। सही है, यहाँ पे हम रखेंगे जी एवालांस नेटवर्क। सही है, ठीक है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे। सही है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे पेस्ट कर देंगे ये आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे RPC में ये डालना है। सही है, RPC में हमने ये जो URL है इनका ये डालना है। आप URL बेशक चेक कर लें न्यू टैब में जाके। सही है, अब इसको हमने यहाँ पे इसको हमने न्यू RPC URL में पेस्ट कर देना है। ये दो चीज़ें होगी। सही, अब तीसरे नंबर पर हमने यहाँ पर डालना है चेन ID। चेन ID पर आ गए हम, चेन ID पर हमने ये ID डाल देनी है। चौथे नंबर पे करेंसी सिंबल में हमने सिंपली AVAX डालना है।
सही है। और पांचवें नंबर पे ब्लॉक एक्सप्लोरर, उसका एड्रेस ये देखिए स्नो केयर है इसका, बेसिकली स्नो ट्रेस होता है, सॉरी। तो इसमें हमने कॉपी करके ये डाल देना है, ये जी सेव हो गया। अभी हमारे पास एवलांस नेटवर्क सेव हो चुका है, सही है। अब एवलांस नेटवर्क में हमने क्या करना है, मेन चीज़। अब ये हमारा जो है ना, ये एड्रेस है, ये कॉपी इसको करना है सिंपली, सही है। और यहाँ से हमने इस एड्रेस को वहीं स्टेप ऐप पे हमने दे देना है, सही है। स्टेप ऐप जो कि मैंने आपको बताया था कहाँ डालना है एड्रेस, सही है। तो वो आपने मोबाइल में आके अपना डाल देना है, ट्राई ऐप पे जाके क्लिक करेंगे, सही है। और वहीं पे जो एड्रेस की जगह मिसिंग थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसमें आपने डाल देना है। अब ये जो इसकी पूरा डिटेल्स है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको मैंने दो तरीके बता दिए, मेटामास से भी, ट्रस्ट वॉलेट से भी आप एवलांस सी चेन क्रिएट कर सकते हो एड्रेस। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं बैठा हूँ, मैं आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। और मैं इस वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, अगर मेरी वीडियो आपको समझ नहीं आई तो आप यहाँ से भी जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं एवलांस को मेटामास से, सही। लेकिन ये वीडियो जो बेहतर है, आप इस पर इंशाल्लाह आपको आ जाएगा, कोई मसला हुआ तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपकी वीडियो में मिलेंगे।